फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ हिंदू। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल हेल्थ शो गुड हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं, गुड हेल्थ के माध्यम से हम आपको एक नई बीमारी के बारे में बताते हैं एक नए डॉक्टर के साथ। उसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कर्णेश गोयल, उप अधीक्षक MDS हॉस्पिटल कोटा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्ते कोटा वासियों और STN के परिवार वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे ये मौका दिया। डॉक्टर साहब से आज हम बात करने जा रहे हैं लकवा विषय पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए लकवा आखिर होता क्या है। लकवा एक ऐसी बीमारी है कि अपने वर्ल्ड वाइड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। फर्स्ट अपना हार्ट अटैक होता है, सेकंड दूसरा लकवा होता है। लेकिन इसको जनरली क्या है, अधिकतर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लकवा क्या है कि जैसे एक किसी भी अंग का नहीं चलना, एक हाथ नहीं चलना, ये नबनेस आ जाना, ये पाँव नहीं चलना, ये बोलने में तुतलापन आना, या एक तरफ फेस डाइवर्ट हो जाना, ये कई तरह की अलग अलग जो सारी जो सिम्टम्स हैं अपने ब्रेन से चलती हैं। सारे के सारे ब्रेन के अंदर सारे सारे अपने जो जो अपन जो भी काम करते हैं टोटल ब्रेन से होता है। इसके सारे सेंटर होते हैं कि पैर का अलग सेंटर, हाथ का, आँख का, देखने में दिक्कत आ रही है या बोलने में दिक्कत, सबके अलग अलग सेंटर होते हैं इसके अंदर। अब ब्रेन के अंदर ये अपोजिट होता है, जैसे अपना राइट साइड अगर अपनी पैरालिसिस है तो उस ब्रेन के अंदर वो लेफ्ट जो उसका जो डिफेक्ट होगा लेफ्ट के अंदर होगा। इसमें लकवे के अंदर जैसे बोलने में दिक्कत आई, किसी को अचानक उसको देखने में दिक्कत आ गई, एक हाथ पहले अच्छा तरह दिखता था लेकिन एक तो उसमें दिखना बंद हो गया, कम हो गया, तो ये भी एक लकवे का है। लकवे दो प्रकार के होते हैं, वो अपन विदाउट CT स्कैन अपन उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं जनरली। और जैसे कई बार जो होता है, जैसे साहब पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि साहब हम सुबह तो रात को अच्छे सोए थे, सुबह एकदम उठा तो हमारा एक हाथ नहीं उठ रहा साहब, मेरे को जब उससे पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के साहब ऐसा कुछ नहीं था, जब उसको चेक करते हैं तो चेक करने के बाद उसमें क्लॉट आता है उसके अंदर, मतलब खून का थक्का जम जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है कि साहब एकदम बहुत सिर में बहुत तेज दर्द हुआ मेरे और एकदम वॉमिटिंग हुई और मेरा एकदम एक हाथ उठना या पाँव उठना ये बोलना ये बंद हो गया। जब उसको CT स्कैन कराते हैं, CT स्कैन के अंदर वो चांसेस उसके ब्लीड के होते हैं, मतलब ब्रेन हेमरेज के होते हैं, उसके अंदर नस फट जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके जो कन्फर्म डायग्नोसिस होता है अपन उसको CT स्कैन के बाद ही करा जा सकता है। और जो क्लॉट होता है, क्लॉट जैसे विद इन एक उसमें होता है विंडो पीरियड होता है 4 घंटे का। अगर पेशेंट को उस अपन को पता पड़े कि अब मेरे एक हाथ उठना बंद हो गया है और एकदम इमीडिएट अगर डॉक्टर के पास आता है तो जनरली CT स्कैन के अंदर वो क्लॉट आ नहीं पाता है। अगर वो पेशेंट को एफोर्ड कर सकता है तो उसको अगर MRI कराए तो MRI में विद इन 1 आवर में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो उसमें अगर कंफर्म हो गया है कि आपका क्लॉट है, आप विंडो पीरियड में आ चुके हैं, तो एक इंजेक्शन होता है TP जिसको कहते हैं, वो उसको पूरे उसका एक मीटर होता है उस हिसाब से करके उसको लगाया जाता है डॉक्टर के देख रेख के अंदर, स्ट्रोक उसमें कहते हैं ICU में रख कर। तो उसकी जो विकलांगता है लकवे के बाद जो विकलांगता आ जाती है, एक दूसरे पे मोहताज हो जाते हैं, तो उसके 50% चांसेस के कम हो जाते हैं, वो अपना काम वो खुद कर सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया लकवे दो प्रकार के होते हैं, तो डॉक्टर साहब इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल, दो प्रकार के मैंने आपको पहले भी बताया इसके अंदर, एक तो इसमें क्लॉट हो जाता है, दूसरा उसमें उसकी ब्रेन की नस फट जाती है, उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। जनरली ब्रेन हेम डॉक्टर साहब लकवा और ब्रेन हेमरेज दोनों एक ही चीज है। उसके कारण भी लकवा होता है, क्लॉट के कारण भी लकवा होता है, ब्रेन हेमरेज के कारण भी लकवा होता है। ब्रेन हेमरेज के चांसेस होते हैं इसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका ब्लड प्रेशर का चल रहा है और डायबिटिक का चल रहा है, अनकंट्रोल है, उसने चेकअप नहीं कराया है, तो वो उसके चांसेस हो जाते हैं। जनरली क्या होता है गांव के अंदर के साथ सिर में दर्द हुआ सिंपल देखिए, वो मेडिसिन दे देते हैं डॉक्टर, ना तो उसको डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो क्वेक से पे चले जाते हैं और उसने उस टाइम तो उसको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसको जो कारण है कि सिर में दर्द क्यों हुआ उसका ब्लड प्रेशर अगर चेक कर लेता उस टाइम उसको आने वाली दिक्कत नहीं होती, लेकिन जनरली चेक होता नहीं है और वो गोलियां खाते रहते हैं और पता जब हमारे पास आते हैं तो ब्लड प्रेशर देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है और ब्रेन हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लॉट भी हो सकता है लेकिन चांसेस ब्रेन हेमरेज के ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे लकवे के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से
लकवा हो सकता है? लकवे के इससे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर इस तरह अभी अपन डिस्कस करने लगेंगे तो इसमें तो कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये मोस्ट कॉमन चीज है, ये मेन कारण होता है इसके अंदर, लकवे के अंदर। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है या डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, लकवा होने के कितने घंटों के अंदर इलाज मिलना जरूरी होता है? लकवे के अंदर जैसे एक विंडो पीरियड कहलाता है, 4 आवर्स का था, लेकिन अभी आजकल 4.5 आवर कर दिया है। लेकिन गांव से अगर कोई आदमी, थोड़ा समझदार आदमी, अगर सीधा अगर हॉस्पिटल रश करता है, इमीडिएट अगर हमारे पास पहुंच जाता है, मतलब 3 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, 1 घंटा हमारे को उसके अंदर, आधा से 1 घंटा उसमें लग जाता है, सीटी स्कैन कराना, सारे उसके ब्लड चेकअप कराना सारे के सारे। जब अगर उसके विंडो पीरियड में आ गया है, सब तो कंफर्म हो गया है, तो हम उसके ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन भी महंगा आता है, लेकिन बीपीएल परिवार वालों के लिए हम उसको फ्री लगाया जाता है। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है तो 40-50 हज़ार का इंजेक्शन आता है। भामाशाह आजकल तो भामाशाह से है, भामाशाह में अगर वो भामाशाह के अंदर लाभार्थी होता है तो उसको इमीडिएट हम उसको इंजेक्शन उपलब्ध कराते हैं और उसको आईसीयू में एडमिट करके उसका, मतलब सुबह से एडमिट करके शाम तक हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उसकी विकलांगता है 50% उसकी कम हो जाती है। ये अच्छा बेनिफिट है ये वाला। अगर हेमरेज है तो हेमरेज हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हेमरेज में तो जो नॉर्मल रूटीन जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलेगा। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में कि एक्सीडेंट के दौरान अधिकतर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो क्या उस स्थिति में भी लकवे की संभावना रहती है? बिल्कुल रहती है, अगर उसके अंदर अंदर ब्रेन के अंदर इंजरी हुई है अंदर, तो डेफिनेटली उसके लकवे के पूरे चांसेस होते हैं। वो अलग तरह का वो जो उसको लकवे की उसमें गिनती करी जाएगी, और बाकी जो उसका जो ऊपर से स्कल इंजरी हुई है वो अलग चीज है, लेकिन ब्रेन में इंजरी हुई है तो उसमें भी लकवा होता है। तो सर, आप लकवे के लिए किस प्रकार से जांचें करवाते हैं, कितनी प्रकार की जांचें करवाते हैं? लकवे में तो इमीडिएट जो होती है फर्स्ट सीटी स्कैन होती है, उस पे पूरा कंफर्म करना है तो हम उसको एमआरआई करवाते हैं। अच्छा, तो लकवे के बारे में पता सीटी स्कैन से चलता है या एमआरआई से चलता है? प्राइमरी सीटी स्कैन से पता पड़ जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज के लिए कितना समय लगता है? इलाज तो जब हो गया डायग्नोज इमीडिएट चालू हो जाता है उसके अंदर। तो इसके लिए क्या मतलब, अगर किसी को लकवा है तो फिर लंबे समय तक क्या गोली दवाई लेनी है? अगर लकवा अगर हो गया है, क्लॉट आ गया है या हेमरेज हो गया है, क्लॉट आ गया है, तो उसके अंदर वो जिंदगी भर की मेडिसिन उसको लेनी पड़ेगी। मेडिसिन बहुत सस्ती होती है, एस्पिरिन 1 रुपए की एक गोली आती है, वो आप कंटिन्यूस लेंगे, खून पतला करती रहेगी, उससे क्या है आपके लकवे के चांसेस नहीं होंगे, दूसरा हार्ट अटैक के चांसेस भी नहीं होंगे। हार्ट के अंदर और ब्रेन के अंदर दोनों मेडिसिन यही चलती है, एस्पिरिन चलती है। तो सर, ये लकवे का जो ड्यूरेशन है, जैसे कि अपने को कोई कंफर्म रहता है कि इतने महीने, इतने साल या इतने दिन रहेगा, या टेबलेट से धीरे धीरे सही होते जाता है? नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, टेबलेट से ही चलता रहता है कि आगे, मतलब टेबलेट इसलिए चल रही है कि जो एक बार लकवा पड़ गया, दोबारा उस पर लकवा नहीं पड़े, दोबारा क्लॉट नहीं हो, तो हम इसको मेडिसिन पर स्टार्ट करते हैं। तो जिस पेशेंट को लकवा है तो उसको क्या आप कोई व्यायाम सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके एक्सरसाइज करें या कुछ करें? एक्सरसाइज सिंपल लाइफ स्टाइल उसकी होना चाहिए, सिंपल लाइफ स्टाइल, खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान देने, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट लेनी चाहिए और नमक बिल्कुल साल्ट कम रहना चाहिए, योगा एक्सरसाइज सब चीज करनी चाहिए उसको। जी डॉक्टर साहब, लकवे को लेकर भ्रांतियां भी बहुत फैली हुई है, जैसा कि अगर लकवा होता है तो डॉक्टर्स के पास जाना कम पसंद करते हैं, पहले देवी देवता के मंदिर जाते हैं और ढोकना करना ये सब लगा रहता है, तो क्या ये किस हद तक सही है? ये अब ये हिंदुस्तान की अभी बदकिस्मती कह लो, किसी कह लो, कि लोग बाग इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं होके, ये लोग बाग सीधे अब उसको देवी का प्रकोप मानते हैं, किसी को क्या प्रकोप लगता है कि यार इनको माता जी का दो वो आया है, इनको माता जी के पास ले चलो। तो यहाँ अपने कोटा के अंदर गोपालपुरा माता जी हैं, एक और गोबरे 2-3 माता जी हैं, वहाँ चले जाते हैं, जैसे ट्रांजिट में स्टिंग अटैक होता है, जो हल्का सा क्लॉट आता है, डेफिनेटली वहाँ जाने के बाद वो अगर वहाँ नहीं भी जाए तो वैसे भी वो मतलब उसका ठीक हो जाता है, लेकिन वो उसका छाप लगे थे सब माता जी के पास गए, वो ठीक हो गए। लेकिन हम मना नहीं करते हैं आप माता जी के पास जाएं, लेकिन पहले आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, उसके बाद भले हमारे पास मरीज आते हैं, हम उसको एडमिट करते हैं, तो उनका ये रहता है माता जी के पास हो जाए, भाई ट्रीटमेंट है, आप लिख के चले जाए माता जी के पास, जाके हम मना नहीं करते हैं, आप जाइए माता जी के पास, आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। वो तो मतलब लकवे का इलाज देवी देवता के पास संभव नहीं है, चिकित्सा के द्वारा, मेन चिकित्सक है, बाकी अपना तो विश्वास है, ये तो लोग विश्वास करते हैं, सभी हिंदुस्तान में सब विश्वास करते हैं, तो करना भी चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे यदि किसी को ट्यूमर है तो क्या उससे भी लकवे के चांसेस हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ट्यूमर किस ब्रेन के किस एरिया में है, वो उसका जो एरिया, वो कौन सा एरिया उसको कवर कर रहा है, अगर ब्रेन
पैर के एरिया में है तो ब्रेन उसका पैर कवर करेगा, मतलब अपोजिट साइड के अंदर। अगर उसके अंदर हाथ के एरिया में तो हाथ कवर करेगा, मुंह के है तो मुंह का कवर करेगा। दूसरा जो होता है इसमें पीछे जो अचानक, मैं पहले भी कह रहा था कि ये दिखना बंद हो जाता है तो लोग बाग पहले आंखों वाले के पास जाते हैं, आंखों वाले चेक करता है बिल्कुल ठीक है तो वे न्यूरो के पास आते हैं। न्यूरो पर जब हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं तो ब्रेन उसके अंदर जो है कि जो देखने का इलाका है जो उसके ऑक्सीपिटल जैसे कहते हैं उसके अंदर वो क्लॉट आया था, उसके क्लॉट आने से उसका दिखना कम हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, तो उसका वो भी एक लकवा है। उसमें हाथ पैर सुन्न नहीं होता है उसके अंदर, ना वीकनेस आती है उसमें, सब कुछ ठीक है लेकिन उसका दिखना कम हो जाता है, लेकिन वो भी एक लकवा है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है यदि आपको ट्यूमर है तो आपको लकवे से सावधान रहना पड़ेगा। फिलहाल शो में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और डॉक्टर साहब से हमारी चर्चा यूं ही जारी है। वेलकम बैक, गुड हेल्थ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर कर्णेश गोयल, जिनसे हम बात कर रहे हैं लकवा विषय पर। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे लकवे के आपने प्रकार बताए, अब हम आपसे जानेंगे मुंह का लकवा क्या होता है, इस विषय पर आप हमें हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। मुंह का लकवा भी एक तरह का लकवा होता है जनरली, और ये अपने विंटर सीजन सर्दी के अंदर ज्यादा होता है जी। तो कई बार सुबह सुबह देखा होगा कि साहब वो पेशेंट आता है, साहब मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, आँख बंद नहीं हो रही है, मुंह में से एक तरफ से पानी निकल रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही अपने हमारे पास अगर पेशेंट आते हैं तो जनरली हम उसको पहले सीटी कराते हैं। सीटी में अगर नहीं होता है तो अपनी जो जो फेशियल नर्व 7 नंबर की जो होती है फेशियल नर्व बहुत सुपरफिशियल होती है, इस सर्दी के उसके अंदर ये बहुत जल्दी इमीडिएट मतलब कॉन्टैक्ट हो जाती है, तो उससे क्या है कि फेस जो है टेढ़ा हो जाता है। अगर सही टाइम पे अगर वो डॉक्टर के पास आ जाता है तो मतलब इसमें ठीक 21 डेज इसमें लगते हैं, सिंपल ट्रीटमेंट जाता है। मेन उस पर एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ये सर्दी के अंदर बहुत कॉमन होता है और ये अपने मतलब जब किसी के हो जाता है तो उसके बार बार होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो सर्दी के सीजन के अंदर अपने मुँह को बिल्कुल कवर करके रखें, बिल्कुल गर्म रखें उसको और सर्दी से उसको बचाएँ। फिलहाल गुड हेल्थ में वक्त हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का, तो आइए लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। नमस्ते डॉक्टर, मैं प्रीति बात कर रही हूँ बल्लभगढ़ से। नमस्ते प्रीति जी। मेरा सवाल ये है कि लकवे के सिम्टम्स क्या होते हैं, कई बार हाथ रह जाता है सोते वक्त, तो क्या सिम्टम्स होते हैं लकवे के? लकवे के अंदर क्या होता है कि ऐसे सिम्टम्स जैसे अपन सो के उठे और किसी का हाथ नहीं चल रहा है, वीकनेस आ गई है, नमनेस आ गई है, या आपका एक तरफ मुंह डाइवर्ट हो गया है, ये एक पैर नहीं चल रहा है, या बोलने में दिक्कत आ रही है, तो अगर इस तरीके की जो भी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इमीडिएट हॉस्पिटल जाना चाहिए। ओके, धन्यवाद। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते साहब, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ, हरिप्रकाश। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, जैसे मुझे पता पड़ा है कि लकवा एक गंभीर बीमारी है। हाँ। लकवा जैसे एक नॉर्मल आदमी को होता है तो उसका सिम्टम्स कैसे पता पड़ता है कि लकवा होने वाला है, और होने के बाद इसके बचाव के उपचार क्या है? देखो लकवा ये अपनी वर्ल्ड के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ डेथ है। फर्स्ट अपना हार्ट अटैक होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये जो डेथ होती है लकवे के कारण होती है। लेकिन हिंदुस्तानी के अंदर थोड़ी ये इस चीज़ को मान लो कि लोग बाग इसमें सीधे हॉस्पिटल नहीं आके और थोड़ी भ्रांतियों में रह जाते हैं कि वो ये माता का प्रकोप है, तो सीधे अपने जैसे कोटा के इसमें गोपालपुरा माता जी हैं और 2-3 जो माता जी हैं वहाँ चले जाते हैं। वो अगर ये जैसे सुबह उठे आप, जनरली ये सुबह होता है, 2 तरह का लकवा होता है इसमें एक, लेकिन अब जब क्या कहते हैं उसको हाथ काम नहीं कर रहा है या पैर काम नहीं कर रहा है या बोलने में दिक्कत आई है या फेस टेढ़ा हो गया है या सिर में दर्द है, तो अगर इस तरह की जैसे आपको साइन सिम्टम नज़र आते हैं तो इमीडिएट आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाने के बाद
आपको जो डॉक्टर है उस इसका सीटी स्कैन कराएगा। सीटी स्कैन के अंदर उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो क्लॉट हो जाता है जो खून की धमनी में अपने उसके अंदर क्या है क्लॉट हो जाता है, दूसरा एक ब्रेन हेमरेज होता है। तो जनरली हम साइन सिम्टम से पहचान नहीं पाते हैं कि भाई ये इसमें ब्रेन हेमरेज हुआ है कि ये क्लॉट हुआ है। अगर क्लॉट होता है तो अगर पेशेंट विद इन 4 आवर, वे विंडो पीरियड कहते हैं, विद इन 4 आवर के अंदर अगर डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में चला जाता है तो एक इंजेक्शन होता है 40 से 50 हज़ार का, वो TPA उसको लगाते हैं, तो उसमें जो विकलांगता जो रह जाती है लकवे के बाद वो 50% कम हो जाती है। लेकिन लोग बाग क्या है, अभी भी इतनी भ्रांतियाँ हैं इसके अंदर कि लोग बाग सीधे अस्पताल में नहीं आके और वहाँ पर माता जी के चले जाते हैं। अगर हल्का फुल्का जैसे ट्रांजी में हल्का सा क्लॉट है तो डेफिनेटली वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा रिजोल्व हो जाता है, जो थोड़ा उसका जो मोमेंट है उसमें आ जाता है, तो लोग बाग कहते हैं साहब इसमें माता जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। हम माता जी के पास जाने को मना नहीं करते हैं, हम तो यही करते हैं कि जितने भी अगर इस तरह की साइन सिम्टम्स हों तो तुरंत आप अस्पताल आएँ, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लें, ट्रीटमेंट के बाद आप दूसरा उपचार जो करना है अपने, ये तो हिंदुस्तान है सब तरह की वो होती हैं, उसमें जाए भले हमको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन इसमें एक सिंपल सी एक मेडिसिन होती है, क्लॉट है तो सिंपल एक अपने इकोस्प्रिन जो एस्प्रिन होती है 75 पैसे 1 रुपये की एक मेडिसिन होती है, वो लाइफ लॉन्ग चलती है। अब लोग बाग अगर आकर सीधे अगर माता जी के पास चले जाते हैं, माता जी के पास जाने के बाद थोड़ा उसका इम्प्रूवमेंट आ जाता है, तो लेकिन इस एक बार जिसके क्लॉट हो गया है तो उसके आगे होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो मेडिसिन स्टार्ट नहीं करता है तो उसके बाद वो कंटिन्यू और बड़ा लकवा हो जाता है उसके अंदर। नहीं नहीं बिग अपन इस तरह के लगाम नहीं लगा सकते जब तक सीटी स्कैन नहीं हो जाता, तो उसके बगैर अपन कोई मतलब एस्पिरिन गोली नहीं दे सकते। अब पता चला किसी उसमें क्लॉट नहीं है और उसका ब्रेन हेमरेज है, तो अगर अपना बिगर डायग्नोसिस से पहले अपन अगर एस्पिरिन दे दी तो उसमें ब्लीड और हो जाएगा और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो आपको सीटी स्कैन तो कराना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। आइए जुड़ते हैं हमारे आखिरी कॉलर से। नमस्ते, मैं बिजुलिया से बोल रहा हूँ, सत्य प्रकाश। हाँ जी सत्य प्रकाश बोलिए जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे चलते चलते अचानक शरीर में लचक आ जाना, एकदम से मतलब पैर में लचक आ जाना, और उसकी वजह से क्या इसको क्या लकवा का प्रारंभिक लक्षण माना जा सकता है क्या? नहीं, इसमें अलग अलग तरीके की होती हैं, इसको आप एकदम लकवा नहीं कह सकते, लचक आ गई चांसेस उसके पूरे होते हैं। अगर सिर में दर्द हुआ उसके और एकदम पाँव चल नहीं पा रहा है या हाथ उठ नहीं पा रहा है तो उसके चांसेस यही होते हैं कि मैक्सिमम लकवे के ही होते हैं। लेकिन जो पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है अपने और नर्व इंजरी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी पर अपन को पूरी थोरो चेकअप कराना पड़ेगा, उसके बाद ही कंक्लूजन निकलेगा कि क्या है, लकवा है या किसी नर्व के कारण आपका पाँव लचक आ गया या कहीं कंप्रेशन आ गया उसके अंदर सर्वाइकल में या लंबर के अंदर, उसमें भी लचक आ जाती है। लकवे के अंदर बिल्कुल वीकनेस हो जाती है, लेकिन उसके जब आ जाता है तो उसका पूरा चेकअप होने के बाद ही पता पड़ जाता है कि हाँ ये चांसेस के लकवे के हैं। कंपन ये अलग चीज होती है, वो किस तरह का कंपन है वो देखने के बाद ही पड़ता पड़ता है कि कब वो स्टार्ट हुआ। जैसे फीवर है, फीवर में कंपन हो जाता है, और वीकनेस है, वीकनेस आपकी इसके अंदर नर्व कंप्रेशन में भी हो जाती है और लकवे में भी वीकनेस हो जाती है, वो पेशेंट को मतलब देख के ही पता पड़ पाएगा कि किस तरह का कंपन है। उसके बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके ब्लड प्रेशर कितना है, डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज उसकी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है, या हाइपो में तो नहीं चला गया या हाइपर में नहीं चला गया, अलग अलग उसकी चीज़ें होती हैं, वो पेशेंट पर जब चेकअप होता है उसके बाद ही पता पड़ पाता है। आहार तो देखो सबके लिए एक नॉर्मल संतुलित आहार लेना चाहिए, फैटी चीज़ नहीं लेके अपने जो दूसरे जो जो
फूड्स जो टिन वाले फूड आते हैं उनको अवॉइड करो, सिंपल नॉर्मल फूड लाइट बिल्कुल हल्का नमक हल्का उसके अंदर तला हुआ कम से कम होना चाहिए। लाइफ स्टाइल अगर आपकी चेंज हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, कोई योगा कुछ करता नहीं, कोई घूमने जाता नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है। और जितना ज्यादा आदमी ऊपर बढ़ता जाता है उसी सेडेंटरी लाइफ हो जाती है, सुबह उठना नहीं लेट उठना, तो ये सब चीजें उसके अंदर वो मान्य रखती है। गुड हेल्थ में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर साहब आप हमारे शो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये सभी जानकारी जरूर लाभान्वित करेगी। धन्यवाद, मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, एस टी एन टी टीम की ओर से नमस्कार।